की तरफ, इस देश की वो बेटियां जिन्होंने आपका मान बढ़ाया, जिनके साथ फोटो खिंचाते वक्त थकते नहीं थे मोदी जी, जिनको अपने घर की महिला लड़कियां बताते थे। 50 दिन से ऊपर हो गया, एक शब्द इस देश के प्रधानमंत्री से नहीं फूटा। यह अलग बात है कि उन बेटियों का अपमान, उन बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाने का काम भाजपा के लोगों ने, इनके इकोसिस्टम ने किया, और मोदी जी चुप रहे और मोदी जी संरक्षण देते रहे। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है और यह अंतिम बार भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हर बार संरक्षण आरोपी को, बलात्कारी को, जो यौन शोषण करता है उसी को देती है। याद है ना कुलदीप सिंह सेंगर, याद है चिन्मयानंद, याद है लखीमपुर का चीरहरण, याद है आपको अंकिता उत्तराखंड की, याद है आपको हाथरस की गुड़िया। हर बार संरक्षण आरोपी को दिया जाता है, हर बार संरक्षण दरिंदे को दिया जाता है, हर बार बेटियों के खिलाफ खड़े होने का काम भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। ये एक स्क्रिप्ट है, ये चिर परिचित अंदाज में हर बार संरक्षण आरोपी का होगा, बचाया आरोपी को जाएगा, झोंका भट्टी में देश की बेटियों को जाएगा। हम आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि इस देश की न्यायपालिका, इस देश के कोर्ट इसका संज्ञान लेंगे। कैसे 164 का मजिस्ट्रेट के सामने हुआ बयान बदला गया, वो बदला उस दौर में गया जब आरोपी उन्मुक्त रूप से बाहर घूम रहा था, उसके उसने क्या प्रभाव किसी पर डाला हमें नहीं पता है। लेकिन ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने बिना वक्त गवाए, जिसने बिना वक्त जाया किए क्लीन चिट दे दी इस पूरे मामले में। तो फैसला अब इस देश को करना है, फैसला न्यायपालिका को करना है, और हम आशा करते हैं, हमें विश्वास है कि कानून में, इस देश के न्यायालयों में अभी न्याय जिंदा है और इन बेटियों को, और खासतौर से उस अवैसिक बेटी को जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन सरकार से हर तरह की उम्मीद इस देश की बेटियां छोड़ दें, क्योंकि अगर सरकार के किसी नुमाइंदे के खिलाफ आप खड़े हैं तो आपके खिलाफ पूरी सरकार, पूरा तंत्र, निरंकुश पुलिस, इस देश की एजेंसियां, इस देश के सांसद, इस देश के मंत्री।